हेलो दोस्तों, स्टेनोग्राफर की पोस्ट की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट निकल के आया है। हाई कोर्ट की तरफ से स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जहाँ पे 243 वैकेंसी इस बार रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जहाँ पे 12 पास कैंडिडेट रिक्रूटमेंट किया जाएगा। एक एक करके आप लोगों को सारे जानकारी देने वाला हूँ। सैलरी आपको किस तरह से दिया जाएगा, हाई कोर्ट की रिक्रूटमेंट क्या है, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताएंगे। स्टेनोग्राफर की इस बार की जो ऑफिशियल पोस्ट निकल के आया है, जिसमें एप्लीकेशन करने के तरीका भी आप लोगों को दिखाऊँगा, किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ। स्टेनोग्राफर की इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करने की तरीका भी आप लोगों को दिखाऊंगा। बेसिकली इस बार की जो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, इंग्लिश स्टेनोग्राफर, जहाँ पे क्लास टू और ग्रेड टू के लिए 120 वैकेंसी, यहाँ पे सबऑर्डिनेट ग्रेड के लिए 120 वैकेंसी एंड लेबर कोड के लिए 1 वैकेंसी रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हो 243 वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जाएगा, 45 वैकेंसी रिक्रूटमेंट किया जाएगा, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। इस बार की जो पोस्ट निकल के आया है, इसमें एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो, जो एज क्राइटेरिया रखा गया हुआ है 20 से 40 इयर्स तक, तो मिनिमम जो एक एज क्राइटेरिया है वो है 21 से 40 इयर्स तक। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, डेफिनेटली आपके पास जो एज क्राइटेरिया रखा गया है एंड इसी के साथ साथ आपके पास अगर का सर्टिफिकेट है, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे एज सिलेक्शन मिलेगा। 21 से 40 इयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो एंड यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट 5 इयर्स एंड SC/ST कैंडिडेट 8 ऑल्सो 5 ईयर, OBC कैंडिडेट 3 ईयर्स तक की एज सिलेक्शन मिलेगा। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। गुजरात हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करने के लिए इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए 44,000, इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड टू के लिए 39,000 तक सैलरी आपको दिया जाएगा। एप्लीकेशन करने के लिए हर एक कैंडिडेट को ऑनलाइन में एप्लीकेशन आपको भेजना होगा। ऑनलाइन में एप्लीकेशन भेजने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने के साथ साथ जो सिलेक्शन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, वो है आपका ग्रेजुएशन और 12th पास। अगर आप 12th पास और ग्रेजुएशन पास है, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, डेफिनेटली आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ग्रेजुएशन एंड 12th पास। बट आपको स्टेनोग्राफी में आपको कोर्स करना होगा, टाइपिंग स्पीड भी आपके पास होना चाहिए, जिसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो इसका भी ध्यान रखना होगा। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोग इसको चेकआउट कर लेना एंड वहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर देना। जो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस है एलिमिनेशन टेस्ट, MCQ 100 मार्क्स, स्टेनोग्राफी स्किल 70 एंड वाइवा 30। 200 मार्क्स के ऊपर एग्ज़ाम होने वाला है, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। 1,500 फॉर जनरल OBC एंड बाकी कैंडिडेट के लिए 750 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको जमा करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, इन सारे चीज़ों अगर आपके पास है, तो डेफिनेटली आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।